डियर बिहार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हाँ, जो अभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अब आइए 22 से 25 सेशन, जिनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अभी होना है ना, पेपर वन ऑनर्स पेपर है। इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, हर बार पूछा जाता है, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अंतर, डिफरेंस, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में आखिर अंतर क्या है। तो वापस इसके अंतर को अभी तुरंत समझाएंगे। देखिए, हायर परचेज सिस्टम मतलब किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति मुख्य रूप से ठीक एक ही तरीके से व्यवहार किया जाने वाला वस्तु की खरीद बिक्री है। हायर परचेज सिस्टम में भी दो पक्ष होता है, ठीक, एक सेलर और एक बायर। इंस्टॉलमेंट में भी दो पक्ष होता है, एक सेलर और एक बायर। पर हायर परचेज क्यों बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं, तो आइए देखें। हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है। पहला, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अनुबंध की प्रकृति। अनुबंध की क्या प्रकृति है, हर परचेज एक अनुबंध होता है कि आप सेलर हैं, हम बायर हैं, ठीक। तो मान लिया जाता है कि हमने आपसे वो सामान किराए पे लिया, इसलिए हायर परचेज सिस्टम या किराया क्रय पद्धति एक किराया का अनुबंध होता है, ठीक। इसके विपरीत किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आपको किस्त पे हमको बेचे तो मुझे अधिकार हो गया, उस संपत्ति पर मेरा अधिकार हो गया, इसलिए ये विक्रय अनुबंध कहा जाता है। दूसरा देखिए, ओनरशिप यानी मालिकाना हक या स्वामित्व का हस्तांतरण। हायर परचेज सिस्टम में किराया क्रय पद्धति में ओनरशिप या मालिकाना हक कब ट्रांसफर होगा, जब हायर परचेजर अंतिम किस्त चुका दे। जब किराया क्रेता जब तक अंतिम किस्त नहीं चुकाता है तब तक किराया क्रेता संपत्ति का मालिक नहीं होता है। पर देखिए, किस्त भुगतान पद्धति में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, जैसे ही सेलर ने एसेट बेचा इंस्टॉलमेंट के अनुबंध पर, तो क्रेता को, परचेजर को संपत्ति पर अधिकार हो गया। तीसरा, ओनरशिप। ओनरशिप टाइटल अभी तुरंत बताया, ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक कि अंतिम इंस्टॉलमेंट न चुका दिया जाए। पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप जैसे ही विक्रय हुआ, अनुबंध हुआ, ओनरशिप क्रेता को प्राप्त हो जाएगा। चौथा, रिपेयर की जवाबदेही, मरम्मत की जवाबदेही। जब तक अंतिम किस्त नहीं चुकाया जाता है तब तक रिपेयर टूट फूट की जवाबदेही हायर सेलर को है, हायर वेंडर को है, किराया विक्रेता को है। पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में किराया विक्रेता या विक्रेता को कोई जवाबदेही नहीं है रिपेयर के संबंध में। इंडियन एक्ट हायर परचेज के संबंध में, इंडियन हायर परचेज एक्ट 1972 लागू होता है, 1972 लागू होता है। पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट के सिस्टम के संबंध में कोई ऐसा खास करके स्पेसिफिक कोई अनुबंध नहीं है, बल्कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम से ये लागू माना जाता है। और रिस्क, हाँ देखिए, रिस्क क्या है, हायर परचेज सिस्टम में किराया क्रय विक्रेता के संबंध में सारा रिस्क किराया विक्रेता को होगा जब तक कि अंतिम किस्त न चुका दिया जाए। पर किस्त भुगतान पद्धति में किराया विक्रेता को कोई रिस्क नहीं है, सेलर डज नॉट हैव एनी रिस्क।
इस यही चीजों को थोड़ा बढ़ा के आपको लिखना होगा। अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, या आप व्हाट्सएप पे आप पूछ डालिए, जरूर जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन रॉयल्टी के संबंध में, अधिकार शुल्क के संबंध में। थैंक यू।